everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. And I just realized guys कि मेरे forehead पे ना मच्छर ने काट लिया है. So just ignore that, it will settle down in some time. We will focus on the video. So basically Plum के बारे में हम बात करें, it's a very famous brand, right? And ये जो product आज मैं review करने वाली हूँ, this is also not a very, you know, new launch या ऐसा कुछ नया आया है market में तो मैं review करने जा रही हूँ. जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. This is a very ओल्ड प्रोडक्ट, लाइक काफ़ी टाइम से ये लॉन्च्ड है, मार्केट में है. आई थिंक 2-3 साल से तो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आई थिंक उससे भी पहले से ही होगा. तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ इतने लंबे टाइम से, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. इट डजंट मैटर कि वो न्यू लॉन्च है, ओल्ड लॉन्च है, क्या है क्या नहीं है. आज मैंने सोचा यार ये प्लम के इस ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. तो जी, ये जो मॉइस्चराइजर है ना, ये कुछ इस टाइप की आउटर पैकेजिंग में आता है, जो कि एक नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग है. एंड बाय द वे गाइस, दिस इज़ नॉट एट ऑल एनी स्पॉन्सर्ड वीडियो और समथिंग, दिस इज़ अ टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो. इतने टाइम से मैं इसको प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ इसका रिव्यू. ओके, एंड इनर पैकेजिंग की बात करें, इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की, एक प्लास्टिक बॉटल है एंड इसका जो पंप है, लाइक जो इसका डिस्पेंसर है, वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऐसे जो डिस्पेंसर्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं. एंड मुझे ट्यूब्स, लाइक जो टब्स आते हैं, वो ज़्यादा पसंद नहीं, बिकॉज उसमें अगेन एंड अगेन आपको अपने हैंड्स डिप करने होते हैं, फिंगर्स डिप करने होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अनहाइजीनिक हो जाता है. मुझे ट्यूब पैकेजिंग भी ज़्यादा पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट अंदर ही ख़त्म होने के बाद भी रह जाता है, फिर आपको कट करना पड़ता है ट्यूब को एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती हैं. वेयर एज ऐसे जो डिस्पेंसर्स होते हैं ना, ये एक तो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं, प्लस आप इसको कुछ इस तरीके से ओपन भी कर सकते हो, तो ओपन करके आप जितना भी प्रोडक्ट है ना अंदर, वो निकाल सकते हो एंड आप इसको रीयूज भी कर सकते हो. तो इसलिए मुझे ये वाली जो कंटेनर्स हैं एंड ये वाली जो पर्टिकुलर डिस्पेंसर्स होते हैं ना, ये मेरे पर्सनल फेवरेट होते हैं एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो जी, सारी की सारी डिटेल्स ना आपको इसके आउटर पैकेजिंग एज वेल एज इसकी इनर पैकेजिंग पे भी मिल जाती है, विच इज़ रियली ग्रेट, लाइक जिस पे एक्सपायरी वगैरह भी मैंशन है इनर पैकेजिंग पे. तो अगर आप इसको कहीं ना कहीं फेंक देते हो, तो इस पे सब कुछ, सारी चीज़ें मैंशन है, इंग्रीडियंट्स भी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ मैंशन ऑन इट. और अगर इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें ना, तो ये 24 मंथ्स की आपको इसमें शेल्फ लाइफ मिलती है, 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिलती है, विच इज़ ग्रेट, डिसेंट है शेल्फ लाइफ. अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें, तो आपको 50 ml का प्रोडक्ट मिलता है एंड विच इज़ प्राइस एट ₹470. ऑल्दो इसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, लाइक 300-400 के बीच में आपको मिल जाता है, स्पेशली जब अमेजोन वगैरह पे सेल आती है ना, तो बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल होता है. एंड स्मिटन पे तो आपको ये फ्री भी मिल जाएगा रेफरल बक्स से. तो आई थिंक मैंने ये रेफरल बक्स से ही खरीदा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये मैंने बहुत बार खरीद चुकी हूँ, बहुत बार रीपर्चेज कर चुकी हूँ, कभी अमेजोन से खरीदा है, कभी स्मिटन से फ्री में मिल गया है. तो इस तरीके से मैंने 5-6 बार तो ये यूज़ कराई और 5-6 बॉटल्स इसकी फिनिश कर चुकी हूँ. अगर आप लोग मेरी एम्प्टीज वीडियो फॉलो करते, तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता हो. तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते कि ये मॉइस्चराइजर किन स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है. तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट 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 मॉइस्चराइजर है. स्पेशली अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, देन यू शुड गो फॉर दिस वन. आई ऑल्सो हैव ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन और मेरी स्किन पे ये बहुत ही अच्छे से सूट होता है. इवन इस पे मेंशन भी है दैट दिस इज फॉर कॉम्बो ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. अब अगर हम इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करें, सो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, दैट इज ग्रीन टी. नाउ इफ यू नो, ग्रीन टी हैज एक्सेलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जो कि हमारी स्किन में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स देता है. देन गाइज, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी है. नाउ ग्लाइकोलिक एसिड इज अगेन रियली गुड फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. ये हमारी स्किन को कहीं ना कहीं एक्सफोलिएट भी कर देता है ना, हमारी स्किन से जितनी भी एक्सेस डेड स्किन सेल्स है वो सब रिमूव हो जाती है एंड हमारी स्किन में से जो टेक्स्चर है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होता है. देन इसमें ग्लिसरीन भी है, विच ऑफ कोर्स हैज़ ग्रेट मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज. देन जो प्लम है ना, वो एज अ ब्रांड काफ़ी अच्छा ब्रांड है, लाइक ये वीगन है, क्रूल्टी फ्री है और 100% इंडियन ब्रांड है. सो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं. ऑल्सो गाइज, ये सिलिकन फ्री है और मैट फिनिश मॉइस्चराइजर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट डेफिनेटली ये सिलिकन फ्री तो है ही. और इसमें नॉन कॉमेडोजेनिक इन्ग्रीडियंट्स हैं. सो बेसिकली कॉमेडोजेनिक इन्ग्रीडियंट्स वो होते हैं जो कि हमारे स्किन को, हमारे पोर्स को क्लॉक कर देते हैं, जिससे कि ब्रेकआउट्स होते हैं. बट इसमें ऐसे कुछ भी इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, दिस इज़ अ परफेक्ट नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट. तो मैंने भी ये चीज़ फील करी है, क्योंकि मैं इतने टाइम से इसको यूज़ करती आ रही हूँ और मैंने दोबारा दोबारा से रीपर्चेज करा है, विच मीन्स आई डेफिनेटली लव दिस मॉइस्चराइजर एंड इसने कभी भी मेरे पोर्स को यू नो क्लॉग नहीं करा है, या मेरे स्किन पे इसको यूज़ करने के बाद कभी भी कुछ भी ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं आए हैं, विच इज़ ग्रेट थिंग. अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्स्चर की.
सो इसका टेक्सचर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का, इसका रनी टेक्सचर है, एकदम ही ज़्यादा रनी टेक्सचर है, आप देख सकते हो। मतलब आप कह सकते हो एक लाइट लोशन होता है ना, एकदम लाइट वेट लोशन जो हम समर्स में लगाना प्रेफर करते हैं, एकदम वैसा ही इसका कंसिस्टेंसी है। यू कैन सी इधर मैंने पम्प करा था, ये इधर तक पहुँच गया है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर है, मतलब बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए, बिकॉज ऑयली स्किन पे ऑलरेडी इतना ऑयल होता है, वी डोंट वॉन्ट एक्सेस, यू नो, कुछ हम ग्रीसी प्रोडक्ट लगाए या हैवी प्रोडक्ट लगाए, वी नीड वेरी लाइट मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स। सो दिस इज परफेक्ट, एंड इसमें फ्रेग्रेंस भी है डेफिनेट। ऐसे जैसा कुछ मेंशन तो नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री वगैरह है या नहीं है, बट डेफिनेटली इसमें फ्रेग्रेंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, ग्रीन टी की बहुत ही ज़्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस है, एंड आई पर्सनली डोंट माइंड माइल्ड फ्रेग्रेंसेस। इनका एक और मॉइस्चराइजर है विच इज़ दिस वन, नाउ दिस इज़ डिफरेंट, ठीक है, ये है इनका ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, और इस पर मैंशनड है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, बट ये इनका मैटिफाइंग ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर, तो इस पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, और इसमें फ्रेग्रेंस है ये मैं कहूँगी। एंड गाइस जो इसका सेकंड वाला है ना, ये भी एकदम डिट्टो इसके जैसे ही दिखता है, देखो। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसका भी रिव्यू करूँ, अभी इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट नहीं करा, इसको अभी मैंने नया ही मंगाया है, सो इसको यूज़ करके हम देखेंगे। मॉइस्चराइजर को अपने फेस पे लगाओगे ना, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फील होने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बट इट डज़ गिव अ वेरी ब्यूटिफुल ग्लो टू योर स्किन, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। डेफिनेटली आपके फेस को ग्रीजी वगैरह नहीं बनाएगा, बट एक शाइन डेफिनेटली आती है इसको यूज़ करने के बाद, और मेरे फेस पे तो और भी आती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव ऑयली स्किन। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये शाइन फ्री फार्मूला है, बट इट डज गिव शाइन, मे बी हो सकता है वो हमारा नेचुरल ऑयल है जो कि शाइन दे रहा है, बट इट लुक्स नाइस, मतलब अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आपकी स्किन इज़ ग्लोइंग फ्रॉम विद इन। और इसमें ना कोई SPF वगैरह आपको नहीं मिलता है, तो आपको इस मतलब बहुत से मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना जिसमें कभी कभी SPF 15 होता है, SPF 20 होता है, इसमें कोई SPF नहीं है, तो इसके बाद सनस्क्रीन लगाना इज़ अ मस्ट। तो गाइज अगर मैं मेरी स्किन की बात करूँ, मैंने आपको बताया मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, मेरी स्किन पे ये परफेक्ट जाता है, बट समटाइम्स क्या होता है हमारी स्किन कभी कभी कॉम्बिनेशन की तरफ होने लगती है, राइट, तो तब ये मेरी स्किन पे उतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग मुझे नहीं लगता है, लाइक मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि और ज़्यादा नीड है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की, तो तब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये थोड़ा कम मॉइस्चराइजिंग है। तो मैं इसको कब यूज़ करती हूँ, जब एकदम एक्सट्रीम समर्स होते हैं, जब एकदम ऑयल प्रोडक्शन एकदम पीक पे रहता है मेरी स्किन पे, तब मेरे को इसको यूज़ करना पसंद है, बट जैसे ही मेरी स्किन स्लाइटली भी कॉम्बिनेशन होने लगती है, सो देन आई स्विच ऑन टू सम अदर मॉइस्चराइजर। ये कहते तो हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, बट मैं कहूँगी कि कॉम्बिनेशन पे ये 50-50 जाएगा, लाइक समटाइम्स चला भी जाता है, समटाइम्स थोड़ा आपको लेस हाइड्रेटिंग लेस मॉइस्चराइजिंग लगेगा, तो देन देयर इज़ अ नीड कि आपको एक और मॉइस्चराइजर टॉप अप करना होगा। तो इससे बेटर मैं आपको कहूँगी कि जब आपकी कॉम्बिनेशन स्किन हो रही है, तब आप दूसरे किसी मोर मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर पे शिफ्ट हो जाओ, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, इससे अच्छा मॉइस्चराइजर आई डोंट थिंक सो आपको मिलेगा। हाँ है, और भी हैं, और भी हैं, आई विल नॉट लाई, और भी मॉइस्चराइजर्स हैं जिनके रिव्यू मैं लाती रहती हूँ मेरे चैनल पे। अभी एक और मैं रिव्यू करने जा रही हूँ जिसका रिव्यू आपको जल्दी देखने को मिलेगा, आई डोंट नो पहले ये आएगा इसका रिव्यू आएगा पहले उसका आएगा, उसके लिए तो आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। बट गाइज आज की वीडियो को इतना ही, आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए A to Z, बट इसके अलावा स्टिल अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली फील फ्री कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो मुझसे, हमेशा कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। बट आज की वीडियो हम इधर ही खत्म करते हैं, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।